अवैध रेत खनन का मुद्दा पंजाब की सियासत में बार बार उछलता रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह से लेकर नवजोत सिंह सिद्धू और केजरीवाल तक इस मसले को लेकर एक दूसरे पर हमला करते रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने तो सोनिया गांधी तक को अवैध रेत खनन से जुड़े कांग्रेस के विधायकों के नाम तक बता दिए थे, लेकिन कभी कुछ हुआ नहीं। न पार्टी के स्तर पर और न ही सरकार के स्तर पर अवैध रेत खनन को रोकने और माफियाओं को पकड़ने की कोई कार्रवाई की गई। लेकिन अब विधानसभा चुनाव के ठीक पहले प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने इस मामले में बड़ी छापेमारी की है। ईडी की टीम ने सीएम चरणजीत सिंह चन्नी के घर से अपनी कार्रवाई शुरू की। उसने चन्नी के भतीजे सहित 10 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की। चन्नी के भतीजे भूपेंद्र सिंह हनी के घर समेत राज्य के 10 अलग अलग ठिकानों की तलाशी ली गई और उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज कर लिया गया। अधिकारियों ने कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला दर्ज किया गया है और सियासी कनेक्शन वाले कई लोगों की जांच की जा रही है। खास बात यह है कि पंजाब के चुनाव में अवैध रेत खनन का मुद्दा गर्म रहता है। पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह भी सत्तारूढ़ दल कांग्रेस पर अवैध रेत खनन से जुड़े होने के आरोप लगा चुके हैं। कैप्टन ने आरोप लगाए थे कि कांग्रेस सांसदों के तार रेत के अवैध कारोबार से जुड़े हुए हैं। उन्होंने कहा था कि अगर मैं नाम लेना शुरू करूंगा तो मुझे ऊपर से शुरुआत करनी होगी। कैप्टन ने यह भी बताया कि उन्होंने कांग्रेस की अध्यक्ष सोनिया गांधी को भी विधायकों के इन धंधे में शामिल होने की जानकारी दी। कैप्टन ने बीते साल सीएम पद से इस्तीफा दे दिया था। इसके बाद चन्नी को प्रदेश की कमान सौंपी गई थी। पंजाब में सत्ता हासिल करने की कोशिश में जुटी आम आदमी पार्टी भी लगातार अवैध रेत खनन के मुद्दे को लेकर चन्नी सरकार पर हमलावर है। पार्टी ने सीएम चन्नी पर अपने क्षेत्र में अवैध खनन के आरोप को लेकर भी निशाना साधा था। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।